गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। टुडे आई डिस्कस अबाउट दी मेगा स्पोरेंजियम दैट दी चैप्टर 2 आर ओब्यूल। मैंने आपको बताया था कि ओब्यूल जो है वो ओबरी के अंदर पाया जाता है। ओब्यूल जो होता है, जैसा कि आप जानते हो कि ये स्टिग्मा है, ये ओबरी है, तो ओबरी के अंदर ओब्यूल्स होते हैं। ओबरी के साथ जो ओब्यूल होते हैं वो उसकी वाल पे अटैच होते हैं, जिसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। और अगर आप एक स्ट्रक्चर देखोगे ओब्यूल का, तो ओब्यूल के चारों तरफ एक मास अपेरेंट डायमीटर सेल्स होता है, जिसको कि ड्यूसिलस कहा जाता है। और इस ड्यूसिलस के अंदर जो है वो फीमेल एम्ब्रियो सैक या फीमेल एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, जिसमें एंटीपोडल सेल होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई होती है जो आगे चल के एंडोस्पर्म बनाती है, ट्रिप्लॉयड होता है, फिर एग सेल होती है जो आगे चल के फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनाती है। इसके आउटर तरफ एक कवरिंग पाया जाता है जिसको इंट्यूगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्यूगमेंट। ओव्यूल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको कि हम लोग इंट्यूगमेंट बोलते हैं। इंट्यूगमेंट क्या है कि इस ओव्यूल के ऊपर एक कवरिंग है। यही इंट्यूगमेंट जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओव्यूल के अंदर, तो ये सीड कोट बनाता है। क्या बनाता है? सीड कोट, यानी जो सीड होती है उसका कवरिंग बनाता है। जो इंट्यूगमेंट होता है दो भी हो सकता है, आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट होता है। कुछ कुछ ऐसे भी फैमिलीज हैं, प्लांट की फैमिली हैं, जहाँ पे इंट्यूगमेंट नहीं होता है। ऐसे ओब्यूल को एक टेक्निक ओब्यूल बोलते हैं, जिसमें दो इंट्यूगमेंट होता है उसको बाई टेक्निक बोलते हैं, जिसमें सिंगल होता है उसको यूनिटेक्निक बोलते हैं। एक प्लांट आपने खाया होगा, एक फ्रूट खाया होगा, लीची। लीची के अंदर एक वाइट पार्ट होता है, वो उसका एरिल होता है, उसको वो उसका लीची का थर्ड इंट्यूगमेंट होता है, जो उसको एरिल बोला जाता है। एरिल जो होता है वो जूसी होता है। जो यहाँ पे एक देख रहे हो आप, ओपनिंग पड़ रहा है, जो इंट्यूगमेंट सभी जगह पूरी तरीके से कवर नहीं होता है। इंट्यूगमेंट कुछ जगह थोड़ी सी गैप क्रिएट कर देता है, जिसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल क्या है? माइक्रोपाइल एक स्मॉल ओपनिंग है, जिसके थ्रू पालिन की ट्यूब, जब पालिन ग्रेन जर्मिनेट होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए आता है, तो पालिन ग्रेन फीमेल गैमिट के अंदर इसी रास्ते पॉलन ट्यूब अपना मेल गैमिट लेकर के इंटर करता है। तो क्या माइक्रोपाइल क्या हुआ? माइक्रोपाइल इज ए स्मॉल ओपनिंग थ्रू विच द पॉलन ट्यूब इज इंटर इनसाइड द फीमेल एम्ब्रियो सैक। न्यूसिलस क्या है कि न्यूसिलस एक न्यूट्रेटिव टिश्यू है, जो जो कि डेवलप हो रहे इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो पार्ट्स हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। न्यूसिलस कभी कभी अनयूज्ड रह जाता है, ठीक है, कभी कभी न्यूसिलस अनयूज रह जाता है। जो सीड के ये जो न्यूसिलस है, न्यूसिलस जब यूज़ नहीं हो पाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, या सीड के अंदर प्रेजेंट रहता है, इसको पेरी स्पर्म बोलते हैं। कभी कभी कुछ प्लांट्स के अंदर जो न्यूसिलस होता है या जो इंट्यूगमेंट होता है जल्दी डीजनरेट हो जाता है, तो एक वहाँ पे एक मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग इंडोथीलियम कहते हैं, ठीक है, इंडोथीलियम भी कहते हैं। कुछ जगहों पे यहाँ पे जैसे फेनिकल्स जो होता है, यहाँ पे वैस्कुलर स्ट्रैंड सप्लाई होते हैं, और यहाँ पर आर्बिट्रेटर पाया जाता है जो कि पॉलन ट्यूब को पाथ प्रोवाइड करता है। और जो हमारा ये एक एनाट्रोपस ओब्यूल का एग्जाम्पल है। आपने आपको मैंने नोट्स भेजा होगा टाइप्स ऑफ ओब्यूल के बारे में, हालांकि ये शायद एनसीईआरटी में 9 आपको मिले, ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ओब्यूल का जो क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ चलाजा एंड माइक्रोपाइल, ये एक दूसरे के बेस के एंड पे होता है। चलाजल एंड बोलते हैं, इस वाले ऊपर वाले एंड को चलाजल एंड बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। जहाँ से माइक्रोपाइल बोलती है उसको माइक्रोपाइलर, ऊपर वाले को जो ये चलाजल लिखा है उसको चलाजल एंड बोलते हैं।